सोमवार को महासभा चला, सिद्ध गौशाला समिति ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। मुख्यमंत्री से की गोरक्षा करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग। हाँ महाराज जी, बताइए आप आज कलेक्टर आए हुए किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? यहाँ हमारी गौ माता बहुत परेशान है, तो कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि गौ माताओं की रक्षा के लिए अच्छी तरह से देख रेख करें और गौशाला में जो गौ परेशान हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था करें। इधर उधर गौ माता घूम रही हैं, उनके लिए व्यवस्था करें। हम सब इसलिए आपके पास आए हैं। और ये राष्ट्रीय हमारे जो है वो गौ माता देश की जो है वो धरोहर है, इसको रक्षा करने का आपका काम है। गौ माता की दूध से पंचामृत बनता है, अपने हिंदू संस्कृत में अभिषेक होता है, और दूध का गौ माता का तो गोबर भी काम में आता है। गोबर भी लक्ष्मी का रूप माना गया है। 33 करोड़ देवताओं का गौ माता में वास है, इसलिए आपसे निवेदन है कि गौ माता की रक्षा के लिए हम आपके पास आए हैं। जल्दी से जल्दी इसका जो है वो आप जो है वो उपाय करें। सब जो इकट्ठे आए हैं और भी इकट्ठे होंगे, आपको जो है वो यही निवेदन है आपसे कि आप इसको जल्दी से जल्दी करें। इसके लिए हमारा मेहनत कैलाश गिरी जी जी हमारे साथ है, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप गौर कथा भी कर रहे हैं और गौशाला के लिए आपने प्रण भी ले रखा है। जय श्री राम, जय टेकरी सरकार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। 2 महीने से लेकर के अभी तक जितने लोगों से मेरी बात होती है, सब यही कहते हैं कि विवेक जी ये काम बहुत कठिन है। हमने इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंटों पर जब जब भी बात किसी से हम करते हैं तो वो यही कहता है कि भाई ये बहुत कठिन कार्य है। तो हमने तो हनुमान जी के चरणों में उसको छोड़ दिया है और हनुमान जी इस कार्य को सफल करेंगे। माननीय सरकार से हमारा निवेदन है कि हाईवे पर जो गाय मर रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ड्राइवर भाइयों को भी समस्याएं आती हैं, हमारे किसान बंधुओं को भी समस्या है, इन सब का समाधान सरकार शीघ्र अति शीघ्र करे। आपने देखा होगा, आप किसी भी टोल टैक्स पर जाएंगे और टोल टैक्स पर टोल वाहन चालक भरपूर टोल देता है, कभी किसी वाहन चालक से कोई टोल माफ़ नहीं होता। तो हमारा जहाँ तक मानना है, कानून में क्या है ये हमको पता नहीं है, लेकिन टोल वालों को ये जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि जीवित पशुओं को रोड से हटाएं और एक्सीडेंट ना हो। दूसरा पॉइंट हमने रखा है कि आपने जो गौशालाएं खोली हैं, उन गौशालाओं में ऐसी सुविधाएं करें जो सुचारू रूप से चले, और गायों के लिए चन्नोई भूमि कम से कम 20 बीघा, मिनिमम कम से कम 20 बीघा चन्नोई भूमि होना चाहिए प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में। हमने एक पॉइंट रखा कि सरकार ने एक चलित पशु चिकित्सालय चलाया, बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें हम सब गौ सेवकों को एक जो समस्या आती है, उस समस्या में है कि एक तो उनने समय रखा है कि 10 बजे से 5 बजे तक, और दूसरा 150 रुपये। आप खुद समझिए कि कोई भी व्यक्ति यदि गाय के लिए 150 रुपये खर्चा करता तो मेरा अनुभव है कि गाय अभी सड़क पर ना होती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक तो निवेदन ये है कि इसको फ्री किया जाए, जो सड़कों पर गाय है, लाभार्थु गाय घूम रही है, उसके लिए यदि कोई गौ भक्त फोन लगाता है तो उसको फ्री में उसका इलाज होना चाहिए। और दूसरा एक योजना और चलाइए, वो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, सरकार को अच्छा लगे तो उस काम को करना चाहिए और गायों के हित में होगा, किसानों के हित में होगा। आपने एक बहना योजना चलाई है, उसमें आप 1,000 रुपये दे रहे हैं, तो आपके पास सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है? यदि कमी होती तो ये 1,000 रुपये आप नहीं देते। और आप गौ सेवकों से गौ के लिए जो इलाज करवाना चाहते हैं उनसे आप 150 रुपये ले रहे हैं, तो ये कहाँ तक का न्याय है? ये ठीक न्याय नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि आप 1,000 नहीं, अपनी बहनों के लिए 2,000 दीजिए, और 2,000 की जगह हमारी एक गाय आप उस बहना के लिए दीजिए, और उसके साथ में आधार कार्ड लिंक करिए।
यदि वो गाय भविष्य में कभी एक्सीडेंट से मरती है तो कार्रवाई उसके निमित्त होना चाहिए, उसके नाम से होना चाहिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है। आज के समय में कोई गाय के लिए जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, सब गाय से पल्ला झाड़ना चाहती हैं। तो इससे बड़ा आहत हूँ मैं, बड़ा दुखी हूँ। और पापमोचनी एकादशी से हमने सिद्ध बाबा पर संकल्प लिया कि हम आज से अन्न त्यागते हैं। उस दिन से हमने अन्न त्याग दिया है और बालाजी की कृपा से आप देख रहे हैं। लेकिन अब ऐसा मन करता है कि सरकार भी पल्ला अपनी झाड़ रही है गाय से, किसान भी पल्ला झाड़ रहा है, ड्राइवर बंधु भी पल्ला झाड़ रहे हैं, तो आखिर गाय किसके जुम्मे है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है?